मेरी फ्रेंड रचना राजस्थान की एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। एमबीए के लास्ट सेमेस्टर के बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने। पर एक दिन अचानक उसका फोन आया। हाय रचना, कैसी है तू? तेरे बिना मन नहीं लग रहा है यार, तू यहाँ क्यों नहीं आ जाती? जयपुर से कुछ 200 किलोमीटर दूर उनकी एक छोटी सी रियासत थी सराथा, पर मैं बस पहुंच गई उसके पास। हे पल्लवी, वेलकम। कैसी है तू रचना? ओहो, तू तो काफी मोटी हो गई है। आजकल माँ के हाथ का खाना जो खा रही हूँ। वाओ रचना, तेरा घर तो बिल्कुल रॉयल पैलेस है यार। रचना ने अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराने के बाद मुझे मेरा रूम दिखाया। ये रहा तेरा रूम, ला बैगला रख देती हूँ। दैट्स नॉट फेयर यार, इतने दिनों के बाद मिले हैं हम लोग। एंड आई एम गोइंग टू स्टे विद यू ओनली। यार खूब सारी बातें करेंगे। ओके बाबा, चल साथ ही रहेंगे। रचना ने मुझे बताया कि वो हवेली उनके लिए भी नई थी। पिछले सैकड़ों सालों से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते हवेली बंद पड़ी थी। बट यू नो व्हाट, हवेली वाज ऑसम। कुछ ऐसी अजीब सी कशिश थी उसकी दीवारों में। ना जाने कितनी यादें समेटी हुई थी अपने में उन दीवारों ने। उस रात हम दोनों की आंखें बातें करते हुए ना जाने कब लग गई। पर आधी रात को अचानक, कौन है? रचना? रचना तो यही है, पर ये किसकी आवाज है? मैंने उठकर डोर चेक किया, वो अच्छी तरह बंद थे। फिर से वही पायलों की आवाज। मुझे लगा जैसे कोई छोटा बच्चा मुझे देख के पर्दों के पीछे छिपा। Who is there? कौन है? वहां कोई बच्ची थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी, पर हिम्मत करके उठकर गई और उठकर पर्दे के पीछे देखने की कोशिश की। तभी क्या हुआ पल्लवी? रचना, तू आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कोई था, कोई बच्ची। बच्ची? पगली, वहम हो गया है तुझे। रचना ने मेरी बात को इतना लाइटली क्यों लिया? मैं सोने की कोशिश करने लगी, पर मेरा दिल कह रहा था वो सब वहम नहीं हो सकता। तभी एक आवाज आई। जिया, जिया, उठो ना, जिया। मैं डर गई। कौन किसको बुला रहा था? मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसलिए अगले दिन बहुत लेट उठी। ओए कुंभकर्ण, उठ, जल्दी से तैयार हो जा, गुरुजी आए हैं। कौन गुरुजी? कुछ तो था जो रचना मुझसे छिपा रही थी। मैं तैयार होके नीचे पहुंची तो सारे फैमिली मेंबर्स के बीच एक ग्रेसफुल महात्मा बैठे हुए थे। गुरुजी, यही है रचना की सहेली। शुभम श्रेष्ठम, मेरे पास आओ बेटी, यहाँ बैठो। चेहरे का तेज सूर्य प्रबल है, परंतु कुछ दिनों तक सावधान रहना बेटी, हाथ आगे बढ़ाओ। गुरुजी ने मेरे हाथ में कोई अभिमंत्रित धागा बांधा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। गुरुजी चले गए तो मैंने रचना से पूछा, रचना ये सब क्या हो रहा था? ये कैसा धागा है? सबने ये धागा पहना है पल्लवी। मुझे पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर सच्चाई ये है कि इस हवेली पे किसी साये का असर है। अब हम सबको उसकी प्रेजेंस महसूस होती है, पर वो दिखी सिर्फ तुम्हें है।
तुमने रात में जो एक्सपीरियंस किया वो सच्चाई थी। पर वो तो एक बच्ची। ये धागा बांधने के बाद वो तुम्हें नहीं दिखेगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई थी। फिर शाम को हम जयपुर सिटी घूम के लौटे तो मैं थक कर एकदम चूर हो गई थी और बिस्तर पर मुझे लेटते ही नींद लग गई। पर आज फिर वही आवाज, पर इस बार वो रो रही थी। जिया, जिया। मैं चौंक के उठी तो मैंने देखा उसी बच्ची का साया मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने। मैंने धीरे से रचना को आवाज दी। रचना, पर वो अपने बिस्तर पे नहीं थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? जिया। उसकी रोने की आवाज मुझे अंदर तक हिला गई। लगा जैसे वो भी बहुत डरी हुई थी। पर किससे? ये रही वो काफिर बच्ची, पकड़ लो, भागने ना पाए। कई मुगल घुड़सवार उस बच्ची के पीछे थे। पकड़ो उस शैतान बला को। पर अगले ही पल वहां सब कुछ एकदम शांत हो गया। बस वो अपने पीछे एक टूटा दरवाजा छोड़ गए थे। पर मुझे अभी भी एक दूर गलियारे से किसी की सिसकने की आवाज आ रही थी। मैं उस ओर बढ़ी और मैं एक बहुत पुरानी लकड़ी की कार्विंग की हुई ह्यूज अलमारी के सामने खड़ी थी। आवाज शायद उसी में से आ रही थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की। उफ, शायद बहुत पहले से जाम है। और जब वो खुली तो पर अंदर तो कोई नहीं था। मुझे साफ सुनाई दिया कि किसी ने कहा, आ गई जिया। कौन है ये जिया? और वो बच्ची उसे क्यों बुला रही थी? सुबह मैंने सारी बात रचना को बताई तो रचना मुझे हवेली से दूर गांव की किसी एक बुजुर्ग के पास लेकर गई। उनके दादा परदादा मुगलों के जमाने से उस हवेली में काम किया करते थे। और फिर उस बुजुर्ग ने हमें कहानी बताना शुरू की। 300 साल पुरानी बात है, मुगलों का राज था, तब ये हवेली बन रही थी। वहीं पास में एक मंदिर में पुरोहित का परिवार था। एक बूढ़ी माँ, पुरोहित जी की औरत, दो लड़कियां, एक 7 बरस की, दूसरी 16 की। पर ना जाने किस बात पर मुगल दीवान पुरोहित के परिवार को खत्म करने पर उतारू हो गया। दरवाजा खोल पुरोहित, अब दीवान के कहर से तुझे खुदा भी नहीं बचा सकता। खाक कर दो इसके घर को, जिंदा जला दो सब। इधर आओ, यहाँ से बाहर निकलो। वहाँ नंदा, जल्दी करो। पर पुरोहित की बड़ी बेटी मुगलों के हाथ लग गई। बाबा, बचाओ मुझे। जिया बेटा, बाबा। ले चलो इसको, ये हमारा मुझे दिल बहलाएगी। मैं जान दे दूंगी। नहीं। और बड़ी बेटी ने अपनी जान दे दी। उधर पुरोहित अपने परिवार को लेकर पास में बन रही इस हवेली में छिप गया। रात का वक्त था, आधी अधूरी बनी हवेली सुनसान पड़ी थी। पुरोहित अपने परिवार को लेके हवेली में बने एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़ा। पर उसे क्या पता था
वो अधूरा रास्ता आगे कहीं नहीं निकलता। ओ रहा पुरोहित का दीवार। पुरोहित! भागो, भागो, भागो अंदर, छिप जाओ। सरकार, इसी रास्ते से वो अंदर गए। जाने कैसे उस रास्ते का मुंह बंद हो गया। तो क्या हुआ? दीवार चुनवा दो उस दरवाजे पर, भूखे प्यासे वही मर जाएंगे सब। पुरोहित का परिवार उसी गुप्त रास्ते में जिंदा दफन हो गया। आज भी वहीं कहीं उन सब की तड़पती रूहें भटक रही हैं। लेकिन हवेली की किस दीवार के पीछे उन बदनसीबों की लाशें हैं, कोई नहीं जानता। पर मैं जान सकती हूँ बाबा। पर कैसे? वो बच्ची मुझे कहीं ले जाना चाहती है, शायद शायद उन्हीं बदनसीबों के पास। जिया, 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 जिया। इस बार ये आवाज सुनकर ना मैं चौकी ना घबराई। जाने जाने क्या था उस आवाज में कि वो दिल को छू जाती थी। उस बच्ची का साया आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे सम्मोहित सी बढ़ती जा रही थी। आओ ना जिया, इधर आओ ना जिया, जिया इधर आओ ना, आओ ना जिया। मेरे देखते ही देखते वो साया फिर से उसी अलमारी में समा गया। मगर जब मैंने उसको खोला तो बचाओ जिया, जिया बचाओ। कुछ हाथ उस बच्चे को अंदर की ओर खींच रहे थे। नहीं नहीं, छोड़ दो उस बच्चे को। और मेरे छोड़ दो। देखते ही देखते वो बच्ची उन रहस्यमयी सायों के साथ उस दीवार में समा गई। जब मैंने इस रात की सारी बात रचना के पेरेंट्स को बताई तो एक फैसला लिया गया। तोड़ दो ये दीवार, वो रूहें अपनी रिहाई को तड़प रही हैं। जरूर ये वही जगह है। हाँ, ये तो वही गुप्त रास्ता है। हम जालों को हटाते हुए जैसे ही अंदर बढ़े तो सामने धूल में लिपटे कुछ कंकाल बिखरे थे। हाँ, ये रही, यही है उस पुरोहित परिवार की लाशें। बदनसीब, या इलाही, इनकी रूहों को सुकून बख्श। उन लाशों में एक छोटी बच्ची का स्केलेटन भी था। शायद उसी बच्ची की लाश जो रात में मुझे आवाज देती थी। उन कंकालों का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद मुझे उस बच्ची की आवाज फिर नहीं सुनाई दी। जिस काम के लिए उसने मुझे चुना वो पूरा हो चुका था, पर उसने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? और वो मुझे जिया क्यों कहती थी? बाबा, इस बच्ची का नाम क्या था? शायद सुकुमा। और उसकी बड़ी बहन जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे दी, उसका नाम क्या था? उसका नाम जिया। तो क्या पल्लवी जिया का ही पुनर्जन्म था? और क्या पल्लवी का छुट्टियों में अपनी फ्रेंड के घर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे सुकुमा ने बुलाया था एक मकसद के लिए? सोचिए।